हेलो फ्रेंड्स, मैं हूँ सिनेमा आजकल और आज मैं आपको बताऊंगा बॉलीवुड की 90s की 10 एक्शन फिल्में जिसे दर्शकों की अपार मांग पे दोबारा रिलीज करना पड़ा। ऐसा मौका बहुत कम मिलता है दोबारा रिलीज जिनकी फिल्मों को होता है, मतलब वो फिल्में एवरग्रीन ब्लॉकबस्टर और ना भुलाई जाने वाली फिल्में हैं। तो स्टार्ट करता हूँ। फर्स्ट है करण जौहर जी और राकेश रोशन की। करण जौहर को जितने बार देख ले उतने बार कम है। सलमान खान, राखी और शाहरुख खान का चार्मिंग फन बहुत थिएटर में भी कमाए, लेकिन ये फिल्म टोटल आज तक 10-11 बार रिलीज हो चुकी है। री रिलीज बहुत बड़ी बात है, बहुत जगह करना पड़ता है। ऐसे पूरा वर्ल्ड वाइड, वर्ल्ड ऑल इंडिया नहीं होता है, कुछ कुछ क्षेत्रों में होता है, जैसे यूपी में हो गया री रिलीज हो गया, ऐसे दिल्ली में हो गया, इन क्षेत्रों में होता है, बॉम्बे में हो गया रिलीज। लेकिन इसके लिए घोषणा बहुत पेपर वर्क करने के बाद ही पास होता है, वो भी सेंसर से सब कुछ करना पड़ता है कि हम इस फिल्म को दोबारा री रिलीज कर रहे हैं और कुछ नया करना पड़ता है उसमें। उसके बाद सेकंड बार आते भाई मौरा मौंदा 94 की। मौरा क्या गाने, क्या गाने, क्या गाने। रवि टंडन का यूनिक लुक, अक्षय कुमार की एक्शन और सुनील शेट्टी तो बाप रे गर्दा मार दी फिल्म में, टनाइन 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 कर गए, ठीक है। और तीसरी फिल्म में भाई दोस्तों भाई मूवी सुनील शेट्टी की, ये भी बहुत अच्छी फिल्म थी। तब थिएटर में लगी थी तो दिवाली के समय लगी थी तो उत्तर दर्शक नहीं देख पाए थे, हिट हुई थी फिल्म, लेकिन दर्शकों की अपार मांगे भाई मूवी बट्टी 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 बट्टी। अरे बट्टी बट्टी क्या है यार, अभी गाना है तो नहीं पता कौन पिक्चर गाना है। भाई भाई ये कौन सी मूवी है भाई, सुनील शेट्टी की भाई। अच्छा अच्छी फिल्म है। अब भाई देख एक बार तेरे भाई के अंदर का दर्द बाहर आ जाएगा। ये फिल्म वाकई बहुत एवरग्रीन थी, एक बहुत इमोशन था भाई के ऊपर और बहुत प्यारी फिल्म थी और इसको टोटल 3 बार री रिलीज किया जा चुका है ऑल इंडिया लेवल पर। फिर फोर्थ आती है सुनील शेट्टी की गोपी किशन। एज सुनील शेट्टी को मत समझिए, एक समय बहुत बड़े एक्शन स्टार थे, उनके भी एक वर्क था। गोपी किशन एज ए बहुत अच्छी फिल्म थी, बहुत कॉमेडी, दो अवतार में थे। एक्शन तो सुनील शेट्टी का भी जबरदस्त रहता है, आप जानते हैं। उसकी बात नहीं करता, वक्त मेरी बात करता है। और फिर पांचवी फिल्म में वक्त हमारा, अक्षय कुमार और सुनील शेट्टी, जिसमें क्रेडिट सुनील शेट्टी ले गए थे। ये फिल्म तो साजिद नाडेवाला ने प्रोड्यूस किया था, अक्षय कुमार तो कहीं लगे नहीं उस फिल्म में, पूरा क्रेडिट खा दिया है अपना सुनील शेट्टी ने। बहुत ही दमदार पावर रूप के साथ हीरो ने कोई घंटा नहीं पूछा। वक्त हमारा अपने समय की 90s की बहुत एवरग्रीन फिल्म है, आपने देखी होगी और आती है और आपने अभी भी देखी होगी। इस फिल्म को 4 बार री रिलीज किया जा चुका है। छठवीं फिल्म में दोस्तों कृष्णा, जी हाँ सुनील शेट्टी की कृष्णा, जिसमें झांझरिया वाला गाना था, करिश्मा कपूर थी, सुनील शेट्टी का एक्शन था जबरदस्त जबरदस्त। इसको टोटल 3 बार री रिलीज किया जा चुका है, बहुत अच्छी फिल्म थी। और दर्शकों ने उत्तर जब लगाई थी तो एवरेज गई थी, फ्लॉप नहीं हुई थी, लेकिन बाद में दर्शकों की अपार मांग पे अपार, हमको फिल्म फिर से देखनी है, हमको ये देखना, लगाओ लगाओ लगाओ, बल्कि पब्लिक टूट पड़ी। टिकटॉक जब इस पर प्रेशर डालने लगी नेताओं के पास, साहब ये गोपी किशन लगा दो साहब, मेरे बीवी बच्चे खाना नहीं खा रहे हैं साहब, अब कुछ भी करो, कृष्णा लगा दो साहब, इमोरा लगा दो साहब, बल्कि नेताओं के पास जाने से जाते, लेकिन नेता भी बोले ठीक है हम कोशिश करते हैं, बल्कि फिर रिलीज़ किया गया। साथ ही फिल्म जिसको आप समझ नहीं पाएंगे फिल्म वाकई अच्छी थी कि क्या थी, जी हाँ 90s फिल्म जानी दुश्मन एक प्रेम कथा, जिसमें अरमान कोहली से के सनी देओल, सोनू निगम सब थे। ये टॉकीज में तो ऐसे फ्लॉप रही, लेकिन इसको बाद में जब टीवी पे देखा गया, फिल्म कुछ नहीं थी लेकिन बहुत मज़ेदार फिल्म थी, कहानी वाटकथा कुछ नहीं थी, लेकिन इसमें जो ग्राफिक्स उस समय जो किया गया था अपना, वो पहला था फिल्म हिंदी फिल्म में जिसमें VFX यूज़ किए गए थे। और ये फिल्म देखने में बहुत मज़ा आती है, भले स्टोरी कुछ नहीं फिल्म में, लेकिन आप देखेंगे इसको को बोर नहीं लगेगा, बता रहा हूँ फिल्म आपको। जाली दुश्मन एक अभी की फिल्म, ठीक है। और तो इसको भी टॉकीज में एक बार और रिलीज किया गया, वो भी 3D में, ठीक है, क्योंकि 3D लाइक फिल्म उस समय 3D में अगर लगती तो बहुत अच्छी लगती, लेकिन बाद में इसको 3D में रिलीज किया गया। फिर आठवीं फिल्म में दोस्तों अक्षय कुमार की आवारा पागल दीवाना, जी हाँ जब टॉकीज में लगी थी तो एवरेज गया था, क्योंकि अक्षय कुमार उस समय एज ए स्टार लेवल पर नहीं आ रहे थे, क्योंकि एक्शन हीरो माना जाता था और एक्टिंग नहीं उनको बोलते थे, लेकिन उस समय वो उभरते आ रहे थे और उनकी फिल्में हिट हो बैक टू बैक हो रही थी।
तो आवारा पागल दीवाना टॉकीज में जो दिन छोड़ दिया, आवाज़ बोला ये हमको देखनी है फिल्म, बस लगाओ लगाओ लगाओ। फिर टॉकीज में रिलीज की गई और ये फिल्म बहुत अच्छी है। अब बहुत कॉमेडी फिल्म है, बहुत कॉमेडी, एक्शन प्लस कॉमेडी। येड़ा अन्ना, चमन छतरी, छोटा छतरी, बहुत बहुत कैरेक्टर्स है इसमें, ठीक है। नवी फिल्म है दोस्तों फिर कातिया की घातक। इसको तो 9 बार थिएटर में रिलीज़ किया जाएगा, बता रहा हूँ, 9 बार थिएटर में रिलीज़ किया गया। खासकर इसका वो डायलॉग डैनी का तो बुलाए नहीं बोल। तुम्हें ये जानकर बहुत खुशी होगी कि आज से तुम हमारे लिए काम करोगे। कातिया ये मजदूर का आता है, ये लोग पगले पिघला के आकार बदल देता है। कि सातों को साथ मारूंगा, एक साथ मारूंगा, डायलॉग बहुत एवरग्रीन था। अभी तो मैं बोल नहीं रहा, अभी मैं कंटेंट कुछ और चल रहा। दसवीं फिल्म है दोस्तों बॉर्डर, 90s की। बॉर्डर को तो कितने बार रिलीज किया गया, करीब 16-17 बार रिलीज हो चुकी है। हर 15 अगस्त 26 जनवरी को ये फिल्म रिलीज होती है, लोग देखते ही हैं क्योंकि ये फिल्म भुलाई नहीं भूलती। एक्शन इमोशन सबसे भरपूर लवरेज फिल्म है। ऐसी फिल्म टीवी पर आती है, री रिलीज भी होती है, मल्टीप्लेक्स में नहीं होती, लेकिन छोटे वन सिंगल स्क्रीन जिसको बोलते हैं, सिंगल स्क्रीन जो चलते हैं मल्टीप्लेक्स के अलावा, जिसमें शोज नहीं, जिसमें एक फिल्म। तो बॉर्डर तो एवरग्रीन फिल्म है दोस्तों, इसको भी रिलीज किया गया और सनी देओल का डायलॉग इसमें बहुत पॉपुलर। होप आपको ये वीडियो पसंद आया होगा, तो चैनल को सब्सक्राइब लाइक जरूर कीजिएगा और चैनल पे बने रहिएगा। मैं ऐसे एवरग्रीन और ऐसी खोजी कंटेंट लाता हूँ, क्योंकि मैं हूँ बहुत बड़ा फिल्म में खेड़ा और आपका एक दोस्त। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, शुक्रिया और शाबाश है मेरे दोस्तों।